आप सबका ACC डिफेंस एकेडमी में बहुत कैंडिडेट्स का ये डाउट आता है कि यंग लीडरशिप कोर्स YLC कोर्स है ये पूरा, इसके बारे में आप कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया जाए जिसमें सारी डिटेल्स की YLC होता क्या है, उसके बाद में इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, कितने वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है, और ACC SCO या PCSL एंट्री में ये कैसे YLC कोर्स के लिए आप अपना नॉम फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसके साथ में इसमें जो टोटल वैकेंसीज होती हैं वो कितनी रहती हैं, ड्यूरेशन, उसके बाद पर्पस क्या होता है, और कौन कौन से कमीशन के थ्रू आप एक जवान से ऑफिसर बन सकते हैं YLC के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एंड एट द एंड हम लोग ये भी आपको बताएंगे कि YLC का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आप YLC के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। पहली चीज़ तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि YLC है क्या है। देखिए, हमारे जो सर्विस एंट्रीज हमारी होती है, चाहे आप ACC, SCO या फिर PCSL कोई भी एंट्री की बात अगर आप करेंगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल सोल्जर्स होते हैं, दोज ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग ऑफिसर्स, मतलब जिनमें वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि वो ऑफिसर बने, है ना। तो YLC यंग लीडरशिप कोर्स, मतलब कहने का ये है कि YLC कोर्स के थ्रू उन पोटेंशियल सोल्जर्स को और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेपरेशन SSB के लिए टाइम दिया जाता है, जिसमें उनकी रिकमेंडेशन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो YLC कोर्स है ये आपका होता है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई में, जिधर आपकी वहाँ पे मतलब आपके SSB से पहले आपकी ट्रेनिंग ग्रूमिंग होती है। जो मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं, दोज ऑफ देम आर एस्पायरिंग टू बिकम कमीशनड ऑफिसर्स, ठीक है, और उनको तैयार करवाया जाता है, प्रिपेयर देम टू फेस द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस। आई होप कि अब आपको थोड़ी सी ये क्लैरिटी आ गई होगी, जो OTA चेन्नई में YLC कोर्स आपका कंडक्ट होता है उसमें क्या किया जाता है। जैसे आप SSB की कोचिंग लेने जाते हैं तो आपको SSB के लिए तैयार किया जाता है, सेम वे में आपको यंग लीडरशिप कोर्स जो करवाया जाता है वो आपको आर्मी की तरफ से करवाया जाता है। ये सिर्फ आर्मी कैंडिडेट्स के लिए वैलिड रहता है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको अलग से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है, ये आपको आपकी यूनिट वाले ही भेजते हैं। उसके लिए कैसे आप जा सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए बेसिकली जो रिटन एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो टॉप 500 कैंडिडेट्स होते हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, और उसके बाद में वहाँ पर कुछ वो स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसमें से जो टॉप कैंडिडेट्स वैकेंसीज़ के हिसाब से वहाँ पे रखे जाते हैं। अब कितनी वैकेंसीज़ होती हैं हर कोर्स में वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यू विल गेट टू सी कि जो फेब्ररी एग्ज़ाम होता है, जैसे सपोज़ करिए जो फेब्ररी में हुआ था जो ACC 130 एग्ज़ाम, उसके बाद में अगस्त वाला जो एग्ज़ाम हुआ ACC 131 वाला जो एग्ज़ाम अभी हुआ अगस्त का, जून में अब पोस्टपोन हो गया, तो इसमें ACC की टोटल 100 वैकेंसीज थी, SCO की 50 वैकेंसी, PCSL की 50 वैकेंसीज। तो PCSL एंट्री जो है वो साल में एक बार ही उसके फॉर्म फिल होते हैं, इसलिए जो है इसकी वैकेंसी सिर्फ अगस्त एग्ज़ाम में आती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको ये वैकेंसीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैकेंसीज वो वैकेंसीज हैं जो कि आपकी OTA चेन्नई में, जैसे सपोज़ करिए इस बार ACC के कैंडिडेट्स जो हैं वो टॉप 500 के, जो रिटर्न में टॉप 500 की रैंकिंग लाएंगे, उनको वहाँ पे बुला दिया जाएगा। उसके बाद में वहाँ पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें से टॉप 500 में से 100 बच्चे जो क्लियर करेंगे उनको रखा जाएगा YLC चेन्नई में। अब वहाँ पे कितनी देर के लिए रखा जाता है, क्या क्लासेस होती है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको, और वहाँ से आपको छुट्टी भी मिलती है, आपको एज TD पे भेजा जाता है वहाँ पे, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करूँगा डाउट्स। उसके बाद इसका मेन एम जो होता है, ये एम यही होता है कि इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करी जाए, इनके कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया किए जाए, और चाहे आप JCO हैं, OR हैं, किसी भी रैंक के हैं, आप ऑल कैन गो, ठीक है। बिकॉज कुछ जो सीनियर पार्टी भी होगी जो SCO एंड PCSL एंट्री की, दे आर आल्सो एलिजिबल। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि SCO एंड
PCSL का अब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, वो इसीलिए होता है कि आप YLC अगर जाना चाहते हैं तो थ्रू दैट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यू कैन गो फॉर YLC आल्सो। उसके बाद में आपके SSBs होते हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो आपकी रहती है, YLC कोर्स इज़ ऑफ 14 वीक्स, तो 14 वीक्स आप मान के चलिए लगभग 4 महीने 3.5 महीने का कोर्स रहता है आपका ये, ठीक है, विद द स्ट्रेंथ ऑफ 200 इन सर्विस कैंडिडेट्स। तो 200 कैंडिडेट्स कैसे हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जैसे 100 कैंडिडेट वो लास्ट में ACC का लेंगे, 50 SCO के, 50 PCSL के, तो 100 कैंडिडेट हो गए। और 14 वीक की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको बीच में छुट्टी भी दी जाती है 1 महीने की, तो 7 वीक्स के 2 पार्ट ट्रेनिंग के इन्होंने करे जाते हैं। तो देखिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपने यूनिट में रह के भी ड्यूटीज़ ही करनी है ना, वहाँ पे आपकी कोई सेल्फ ग्रोथ नहीं है, बट OTA में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप इम्प्रूव करेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको वहाँ से छुट्टी भी मिल रही है, आपको एज TD पे रखा जाएगा वहाँ पे, तो ये एक बहुत सुनहरा मौका होता है। इसीलिए हम हमेशा कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए टॉप 500 की रैंकिंग में आने की, या फिर SCO के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पुश करते हैं कि बढ़िया रैंकिंग लेके आएँ। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, अभी जो नेक्स्ट ये स्लाइड्स में मैं कवर करूंगा कि कितनी तरह के कमीशन होते हैं और उसमें जो SCO में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, बट बिफोर दैट मैं आप सभी को बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स अभी ACC 132 देना चाहते हैं तो अभी ACC 132 के कुछ कोर में फॉर्म पहुँच चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कुछ पे नहीं पहुँचे हैं, तो इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए ACC 132 की, ठीक है। एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर चुके हैं, उनकी जो क्लोजिंग डेट बंद हो चुकी है, बट आर्मी और नेवी के कैंडिडेट्स अभी अप्लाई कर सकते हैं, अभी चल रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि ऑनलाइन नया बैच आपका ACC 132 का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पूरा 0 लेवल से आपको तैयारी करवाएंगे। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको उसी टाइम पे हम फुल PDF नोट्स न्यू पैटर्न के प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे और थ्योरी, MCQs, वन लाइनर सब कुछ कवर रहेगा। और जैसे कि हमें सारी चीज़ें नोट से समझ नहीं आती है कि रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, तो इसलिए आपको PDF नोट्स के साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे यू कैन वॉच देम एनी टाइम, ठीक है, क्योंकि मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स को टाइमिंग का इशू रहता है, इसीलिए हमने ये कोर्स इस तरह से बनाया कि आपको आपके शेड्यूल की वजह से कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस रोज रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी, ये इसलिए चलेंगी बिकॉज आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप लाइव क्लासेस में भी नाइट के टाइम पे पूछ सकते हैं, और मेनली हमने नाइट में लाइव क्लासेस का टाइम इसलिए रखा है बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। और इसमें भी एक एडवांटेज आपको ये है कि ये जो सारी लाइव क्लासेस होंगी इन सब की आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस तो आप उनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, तो इससे बेहतर आई डोंट थिंक के और कुछ आपके लिए हो सकता है, ठीक है। उसके साथ में मॉक टेस्ट न्यू पैटर्न के मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप इस कोर्स में अवेल कर सकते हैं। तो आप अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, हम लोग आपको पूरा गाइड कर लेंगे। और अभी अगर ज्वाइन करते हैं आप अगस्त वाले बैच में तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इस कोर्स में मिल जाएगा आज, ठीक है। तो अभी व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, हमारे टीचर्स आपको पूरे कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो कवर कर देंगे और आपका ऑफिसर बनने का जो सपना है उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो अब बात करें, जैसे कि मैंने बताया ये YLC क्यों बनाया, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स है, बट उतना रिकमेंडेशन नहीं हो पाता क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर द OLQs, वो OLQs सर्विस एंट्री में जो परसेंटेज है वो कम निकल के आती है, तो इसलिए ये इन्होंने YLC कोर्स बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि किन किन कमीशंस के थ्रू आप जो है YLC अवेल कर सकते हैं, ACC एंट्री के थ्रू, SCO एंट्री के थ्रू, PCSL एंट्री के थ्रू, ठीक है। और ये अभी आपको अगर मौका मिल रहा है, बिकॉज आपको नहीं पता कि फ़ौज में कब ये चीज़ें बंद भी हो जाएं, ठीक है, तो अभी मौका मिल रहा है तो इसका बेस्ट यूज़ कर लो, अपना अच्छे से तैयारी के लिए जाओ। और रही बात जो YLC में सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके लिए पहले तो रिटर्न में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। अब जब आप OTA चेन्नई में जाओगे तो वहाँ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा, और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना ये बिल्कुल सिमिलर है SSB के स्टेज 1 से, तो इसलिए
इसलिए आप चाहे SSB की प्रेपरेशन अभी से करें या फिर आप अपने YLC की प्रेपरेशन करें, बिकॉज इसमें आपके दो टेस्ट होते हैं, एक OAR टेस्ट होता है, PPNDT टेस्ट होता है। तो ये आपके जो टेस्ट होते हैं ये Stage 1 ऑफ SSB होता है, तो ये आप अपनी प्रेपरेशन ACC डिफेंस अकेडमी के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हो चुका है तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आपकी अच्छी रैंकिंग अगर आनी है, अगर नहीं भी आनी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, फुल SSB कोर्स ऑनलाइन वाला अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि ये आपका कोर्स ऑनलाइन रहेगा। अभी अगस्त का नया बैच स्टार्ट हो रहा है और बिना लीव के भी आप अपनी SSB की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप SSB प्रिपरेशन करेंगे, इन केस आपका YLC में नाम आ गया तो आप वहाँ भी स्क्रीनिंग हो जाएंगे, बिकॉज SSB का Stage 1 और YLC का Stage 1 जो है स्क्रीनिंग जो है वो सेम है। तो ये जो आपका ऑनलाइन बैच रहेगा, कोर्स रहेगा, इसमें हम आपका फुल Stage 1 साइकोलॉजी, GTO सेशंस, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस A to Z कवर करेंगे। और ये आप जैसे ही कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा Stage 1 में OAR, PPNDT, और मेनली हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली हम फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे। साइकोलॉजी में आपका VAT, TAT, SRT, SD सब कुछ कवर किया जाएगा। मेन क्या होगा कि आपको हर एक कैंडिडेट को फीडबैक भी दिया जाएगा कोर्स में, पर्सनल इंटरव्यू की क्लासेज रहेगी, PIQ क्लासेज रहेंगी, इंटरेक्टिव आपके GTO सेशन रहेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग की सारी क्लासेज आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे जो जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो इन्हीं हमारे प्रीवियस बैचेस के जो रिकमेंडेड ACC के कैंडिडेट्स हैं, इनकी तरह आपको भी ये प्लस साइन जो होता है ये आपको जल्दी ही मिलेगा। तो उसके लिए अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, इस नंबर पे, या फिर आप ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन डायरेक्टली फ्रॉम द प्ले स्टोर डाउनलोड करिए और कोर्सेज सेक्शन से फुल SSB कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।